हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम गोभी का पराठा बनाएंगे। इसके लिए मैंने दो गोभी लिए थे, जिसको अच्छे से साफ करके मैंने इसके मोटे डंठल को हटा दिया है। अब मैंने यहाँ पे पैन लिया है और इसमें गर्म पानी होने के लिए चढ़ाया है। मैंने फ्लेम को हाई रखा है फ्रेंड्स। अब हम इसमें सारे गोभी को डाल देंगे और 1 से 2 मिनट हम गर्म पानी में इसे रखेंगे। अब ये जब थोड़ा उबाल आने लगेगा तो हम गैस बंद कर देंगे और इसे एक छन्ने में छान लेंगे और इसे अच्छे से धो के हम इसे इसका सारा पानी सुखा लेंगे। अब मैंने यहाँ पे कद्दूकस लिया है। अब हम गोभी को इसे रंदा करेंगे। हमें सिर्फ फूल का ही रंदा करना है फ्रेंड्स, और जो भी मोटे डंठल थोड़े बहुत बचे होंगे उसको निकाल देंगे। इस तरीके से हमें रंदा करना है। ये देखिए, अब मैंने यहाँ पे सारे गोभी को रंदा कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे एक टुकड़ा अदरक और 2 हरी मिर्च ली है, इसे भी हम रंदा करेंगे। आप चाहे तो ज्यादा हरी मिर्च यूज कर सकते हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्ची डालें। तरीके से हम मिर्ची और अदरक को अभी रंदा कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे अजवाइन और हींग लिया है फ्रेंड्स। अब हम एक कढ़ाई लेंगे। अभी मैंने फ्लेम को हाई रखा है और इसमें हम ऑयल डालेंगे 2 टेबलस्पून अप्रोक्स। अब हम इसमें अजवाइन और हींग को डालेंगे जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा। और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम गोभी को डालेंगे और अदरक और मिर्ची को भी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम नमक डालेंगे फ्रेंड्स। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ही डालें। अब यहाँ पे हम ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे। देगी लाल मिर्च डालेंगे और इन सबको डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम गोभी को थोड़ा भून लेंगे। बीच बीच में चला चला के हम गोभी थोड़ा भून लेंगे। इसमें जो भी थोड़ा पानी बचा हो हम उसे सुखा लेंगे। और फिर इसे एक बर्तन में हम खाली कर देंगे। और इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। अब मैंने यहाँ पे आटा लिया है और हम इसमें नमक डालेंगे। और हम जैसे रोटी के लिए आटा तैयार करते हैं उसी तरीके से हम डो तैयार कर लेंगे। हमें टाइट डो तैयार नहीं करना है, हमें नरम सॉफ्ट डो ही तैयार करना है। तरीके से नरम डो तैयार करना है फ्रेंड्स हमें। ये देखिए, अब मैंने यहाँ पे आटे का एक लोई लिया है। अब हम इसे कटोरे शेप में बना लेंगे इस तरीके से। अब जो हमने फिलिंग तैयार किया है हम इसे में भरेंगे। अच्छे से पैकिंग कर देंगे। अब हम
हम थोड़ा आटा लगाकर इसे गोल रोटी के शेप में बेल लेंगे। अब हम तवा को चढ़ाएंगे और फ्लेम को हाई रखेंगे। अब हम पराठे को सेकेंगे। अब हम एक तरफ से थोड़ा फ्लेम हाई रखेंगे, फिर मीडियम करके हम इसे दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे और फिर रिफाइंड ऑयल लगाकर इसे अच्छे से हम दबा दबा कर सेकेंगे। अब हम रिफाइंड ऑयल लगाएंगे दोनों साइड। और इसे अच्छे से दबा दबा के करारा होने तक सेक लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये हमारा पराठा तैयार हो चुका है। इसी तरीके से हम सारे गोभी के पराठे को बना लेंगे। अब मेरी ये रेसिपी बनके तैयार है फ्रेंड्स, और ये बहुत ही स्वादिष्ट होती है खाने में। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।